हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मलेशियन एयरलाइंस के कैबिन क्रू रिक्रूटमेंट के बारे में। मलेशियन एयरलाइंस आने वाले दिनों में इंडिया में कैबिन क्रू रिक्रूटमेंट कंडक्ट करने वाला है या कैबिन क्रू इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला है। ये इंटरव्यू कहाँ होने वाला है, कौन से दिन होने वाला है, कौन से सिटी में होने वाला है, मलेशियन एयरलाइंस में कैबिन क्रू बनने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इंटरव्यू वाले दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने चाहिए, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए और आपको इस वैकेंसी के लिए कहाँ अप्लाई करना है, ये सब मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माई चैनल। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप एक मेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट है तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए, अगर आप एक फीमेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट है तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए, आप इंडिया के किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू कहाँ कंडक्ट होने वाला है और कौन से दिन कंडक्ट होने वाला है। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन 30 सितंबर 2023 इन मुंबई। आपको इंटरव्यू का वेन्यू या लोकेशन ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप चाहें तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वेन्यू का फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एंड एक चीज और भी अगर आप नोट करते हो, रजिस्ट्रेशन टाइमिंग के बगल में जो लिखा हुआ है इट्स नॉट अ वॉक इन इंटरव्यू, तो आपको इसमें पहले से अप्लाई करना पड़ेगा। यू विल रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट एंड यू विल रिसीव अ कन्फर्मेशन इनवाइट बाय ईमेल, ओनली देन यू विल बी परमिटेड टू गिव द इंटरव्यू ऑन दिस डे इन दिस प्लेस। तो आप अगर वॉक इन करके उस दिन जाते हो इस जगह पे टू गिव द इंटरव्यू, यू विल नॉट बी परमिटेड टू गिव। ओके, यू हैव टू रजिस्टर इन एडवांस टू गिव द इंटरव्यू फॉर दिस एयरलाइन। अब हम बात करते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है, यू शुड बी बिटवीन द एज ऑफ 18 to 35। अगर हम हाइट रिक्वायरमेंट की बात करें, फॉर फीमेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स इट्स 157 सेंटीमीटर, यू शुड बी एटलीस्ट 157 सेंटीमीटर टॉल। For male cabin crew aspirants, it is 165 centimeters. You should be at least 165 centimeters tall. अब अगर हम educational qualification की बात करें तो इसमें लिखा है requirement of diploma certificate or degree certificate or equivalent in any discipline. ठीक है, तो basically आप चाहे science background से हो, arts background से हो या commerce background से हो, you are eligible to apply. एक चीज इसमें मुझे थोड़ी dicey लगी, they are saying your minimum education you should have at least a degree certificate or a diploma certificate or equivalent, which means something which is equal to either degree or diploma if you do not have degree certificate or diploma certificate. But jo age hai jisse in log hire karna shuru kar rahe hain, it is between the age of 18 to 35. To 18 years pe to kisi ki bhi degree complete nahi hoti hai, right? To ye thoda mujhe dicey mujhe bhi laga। बट जो लोग 18 से 21 के बीच में है या जो लोगों के पास कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है या डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, आई विल जस्ट सजेस्ट ऐसे भी ये एक वॉक इन इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, आपको अप्लाई पहले से करना है। इफ यू गेट एन इनविटेशन यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। तो सिंपल है कि आप अप्लाई कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना लेटेस्ट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के साथ विच इज 10+2, अप्लाई फॉर इट एंड सी। अगर आपको इनविटेशन आता है तो वेरी गुड, गो फॉर द इंटरव्यू। अगर नहीं आता है तब तो इट इज ओके, इट इज अंडरस्टूड कि दे वांट समबडी हु इज अ डिग्री सर्टिफिकेट होल्डर, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में उन्होंने 10+2 कुछ मेंशन नहीं किया है, बट उसका इक्विवेलेंट फॉर एन 18-year-old मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो वही होगा, बिकॉज इफ यू आर 18 यू कैन ओनली हैव अ 10+2 सर्टिफिकेट, नथिंग बियॉन्ड दैट। एनीवेज ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एंड 18 to 21 years old के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अगर शायद मैं होती उस जगह पे तो मैं यही करती। इसके अलावा है फ्लुएंसी या प्रोफिशिएंसी इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, नॉलेज ऑफ एडिशनल लैंग्वेज, योर नेटिव लैंग्वेज इज एडवांटेजेस। सो फ्लुएंसी एंड प्रोफिशिएंसी इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश दोनों होनी चाहिए एंड नॉलेज ऑफ अनदर लैंग्वेज। इट्स सो नाइसली मेंशन कि योर नेटिव लैंग्वेज, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हिंदी आनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो हिंदी इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं। अगर आपको आपका जो भी नेटिव लैंग्वेज है वो आप मेंशन करते हैं, इट इज एडवांटेजेस फॉर यू। सो यू शुड हैव फ्लुएंसी इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश एंड योर नेटिव लैंग्वेज, विच एवर लैंग्वेज यू स्पीक एट होम यू कैन मेंशन दैट एंड दैट इज प्रेफर्ड। इसके अलावा जो है वो है यू शुड बी केपेबल ऑफ फुलफिलिंग एम्प्लॉयमेंट वीजा रिक्वायरमेंट्स ऑफ मलेशिया एंड अदर रेलिवेंट कंट्रीज।
मलेशियन एयरलाइंस है तो यू शुड बी एबल टू फुलफिल मलेशियन एयरलाइंस के वीजा रिक्वायरमेंट्स, जैसे और कोई भी कंट्री के वीजा रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ज्यादातर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो ही है मलेशियन एयरलाइंस के वीजा रिक्वायरमेंट्स भी, एंड अदर कंट्रीज वाई बिकॉज यू बी फ्लाइंग टू अदर प्लेसेज एज वेल। सो यही है। और इसके अलावा दो चीजें हैं, वो है यू शुड पोजेस स्ट्रांग टीम वर्क स्किल्स एंड हैव अ पैशन फॉर कस्टमर सर्विस। दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर एयरलाइन, ऑब्वियसली यू शुड बी एबल टू वर्क इन अ टीम एंड यू शुड हैव कस्टमर सर्विस स्किल्स। ये तो कैबिन क्रू के मेन रिक्वायरमेंट में से आता ही है। जो लास्ट चीज है उस पर मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगी, वो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स। योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स शुड इंक्लूड बींग अटेंटिव, हेल्पफुल, कर्टियस, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। ऑलवेज रिमेंबर कैबिन क्रू इंटरव्यू में देर आर पीपल हु मे बी वॉचिंग यू, हु मे बी सीइंग हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर अदर पीपल हु हैव कम फॉर द इंटरव्यू। It is not just giving the interview in front of the recruiters. There are a lot of other people who are watching you from everywhere else. All right? तो यही है इनके basic eligibility criteria. अब हम बात कर लेते हैं documents आपके पास क्या क्या होने चाहिए at the time of application, क्योंकि ये walk-in interview नहीं है, आपको इसमें apply करना पड़ेगा online and interview वाले दिन भी आपको ये सारे documents अपने साथ लेके जाने हैं। Documents जो आपको चाहिए वो है आपका passport, full length photograph, आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, इंग्लिश टेस्ट विच इज IELTS या IELTS और TOEFL और ये सारी चीजें, ये ऑप्शनल है, एंड अपडेटेड CV। पासपोर्ट आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो फुल लेंथ फोटोग्राफ है वो बिजनेस फॉर्मल्स में होना चाहिए, प्रेफरेबली व्हाइट बैकग्राउंड में, एंड रिमेंबर टू वेयर अ सूट एज वेल। ठीक है, चाहे वो फीमेल हो या मेल एस्पिरेंट हो। इसमें एक मैंने कहीं पे पढ़ा था मलेशियन एयरलाइंस के इंटरव्यू के लिए, दैट इट्स बेस्ट टू वेयर अ सूट। ओके, सो वो आप पहन के ही फोटो खिंचाइएगा एंड देन सबमिटेड ऑनलाइन एज वेल, एंड इंटरव्यू वाले दिन ऑल्सो टेक दैट विद यू। ऑल योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका जो सारे जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, जो जो पूछा जाता है वो सारी चीजें आपको प्रेजेंट करने हैं उस दिन, और आपको सबमिट करने के टाइम पे भी आपके पास होने चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश टेस्ट, दिस इज ऑप्शनल, दिस इज नॉट मैंडेटरी। ये एक टेस्ट होता है जो कि बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में जब आप माइग्रेट करते हो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में, टू प्रूव दैट यू आर एलोक्वेंट इनफ टू स्पीक इंग्लिश और राइट इंग्लिश एंड यू नो द लैंग्वेज वेरी वेल। ये कुछ टेस्ट होते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं फॉर पीपल व्हेन दे वांट टू माइग्रेट आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, बट ये ऑप्शनल है, कंपल्शन नहीं है। अगर आपके पास है तो आप वो अटैच कर सकते हैं कि यू हैव इतने मार्क्स इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी में। If you don't have it, it is optional, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा you should have your updated CV. तो यही है documents जो आपके पास होने चाहिए to apply also, and उस दिन interview वाले दिन अगर आपको invite आता है तो आपको ये सारे documents अपने साथ लेके भी जाने हैं। Original भी लेके जाइएगा, photocopies भी अपने साथ जरूर इन सबके बना के लेके जाइएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्रेस कोड की। इंटरव्यू वाले दिन आपको क्या ड्रेस कोड में जाना है, आपका अटायर क्या होना चाहिए। It should be informal business attire. For female, you should be wearing a well-fitted suit in either black, navy blue or grey. These are the three colors that they have specified. Well-fitted suit with skirt, knee-length well-fitted skirt or pants. You can choose between wearing a skirt or pant. Aap jisme bhi comfortable hai, aap wo pehen sakte hain. You should be wearing the shirt that you're wearing or the blouse that you're wearing. It should be long sleeves. Okay, and you should be wearing closed-toe shoes with moderate heels, and you should be paying attention to your personal grooming. Personal grooming is basically your makeup and your hair. Just like any other cabin crew interview में जो आप जाते हो, तो जो basic makeup requirements होते हैं किसी भी interview में जाने के लिए, आपको वही use करने हैं, वही सब makeup products, and वही सब आपको करना है अपने बाल के साथ। अगर लंबे हैं तो tie it. If you're comfortable making a pony, it should look neat, you should look presentable, and you're good to go. अब हम बात करते हैं मेल कैबिन क्रू के लिए। यू शुड ऑप्ट फॉर अ वेल फिटेड सूट इन इधर ब्लैक, नेवी ब्लू और ग्रे। ये मेंशन्ड है तीन कलर्स, यू हैव टू वेयर वन ऑफ दीज थ्री कलर्स इटसेल्फ, एंड यू शुड बी वेयरिंग टेलर ट्राउजर्स, लॉन्ग स्लीव शर्ट, एंड शूज की अगर हम बात करें, यू शुड वेयर वेल पॉलिश शूज, इट शुड इधर बी इन ब्लैक और इन डार्क ब्राउन। And the other thing that is mentioned is you should be paying attention to personal grooming. Personal grooming for male kya hai? Aapke baal zyada lambe nahi hone chahiye. Keep your hair neatly combed. Your face, your beard should be neatly trimmed. Ye sare jo personal grooming ke requirements hote hain for male cabin crew in any airline interview, wo sari cheeze aap follow karke jaye.
तो यही है इनके ड्रेस कोड के अटायर. एंड इसमें ऑल्सो मैंशनड है कि डू नॉट यूज वेरी स्ट्रांग फ्रेग्रेंसेज. सो इफ यू आर समबडी हु वेयर्स परफ्यूम्स एंड एवरीथिंग, डू नॉट वेयर वेरी स्ट्रांग फ्रेग्रेंट परफ्यूम्स फॉर द इंटरव्यू. एंड वेयर वेरी मिनिमल एक्सेसरीज, ये भी चीज मैंशनड है. सो इफ यू आर समबडी हु वेयर्स अ लॉट ऑफ एक्सेसरीज, डू नॉट वेयर इट ऑन दैट डे, रिमूव देम एंड देन गो फॉर द इंटरव्यू. बेसिक एक्सेसरीज आर ओके, लाइक योर वॉच और मे बी इयर रिंग्स और जस्ट अनदर ब्रेसलेट और वन रिंग इज ओके. डू नॉट वेयर टू मेनी एक्सेसरीज. अब हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई कहाँ करना है. हमेशा आप जिस भी एयरलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पे जाके ही अप्लाई करें. मैं उसका लिंक जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, या आप मलेशियन एयरलाइंस के करियर्स वेब पेज पे जाके भी खुद से अप्लाई कर सकते हैं. आपकी मर्जी है. जस्ट फिल द फॉर्म, फिल ऑल द अटैचमेंट्स दैट यू नीड टू फिल एंड सबमिट इट. Once you submitted, you may get an acknowledgement email and then you will also get an invitation if you are shortlisted for the interview. So, yehi hai process. If you get it, go for the interview. If you do not get it, that means you were not shortlisted and you can wait for other airline opportunities. तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर फ्यूचर कैबिन क्रू जॉब्स और इंटरव्यू रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए. Thank you very much for your time. Until next time, goodbye.